आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू। तो ये मैंने बेबी पटेटोज ले लिए हैं। ये पटेटो का कलर आप देखकर ये मत सोचिएगा कि ये पटेटो खराब हैं, इनका कलर ही ये इस टाइप का होता है, रेड टाइप का। तो ये वो वाले पटेटो हैं। तो ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैं इतने पटेटो बॉईल कर लेती हूँ पहले। ये जब तक बॉईल होते हैं तब तक हम अचारी मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी, सौंफ, जीरा, येलो मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड। अगर आपके पास येलो मस्टर्ड ना हो तो आप ये स्किप करके ब्लैक मस्टर्ड की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और रेड चिली, और जब भी आप अचारी कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अचारी आलू या अचारी पनीर, तो बघार लगाते वक्त उसमें आप कलौंजी और हींग ज़रूर डालिएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कलौंजी हम ड्राई रोस्ट करके नहीं लेंगे क्योंकि वो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, तो अगर हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो वो सही नहीं बनेगी। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करके पीस लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं। इसको अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये खुशबूदार ना हो जाए, और थोड़ा इसका साइज भी लाइक जो मसाले जब सिक जाते हैं ना तो उस साइज में थोड़े बड़े हो जाते हैं और इसमें से क्रैक होने की आवाज़ भी आती है। तो बस तब तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है और इसको पीस लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा पाउडर मत कीजिएगा, थोड़ा दरदरा ही पीसेगा तो फिर उसका सब्जी में डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये जब थोड़ा रोस्ट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो मसाला है हमारा सिक गया है और कलर भी चेंज हो गया। जैसे देखिए मेथी काफ़ी ब्राउन हो गई है, सौंफ का कलर चेंज हो गया, तो बस और फ्रेग्रेंस भी अच्छी आने लगी। तो मसाला सिक गया है, अब मैं तो इसको खलबत्ते में पीस रही हूँ। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये मैं पीस कर दरदरा फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसा है। अगर हम चाहते तो इसको मिक्सी में पीस कर बहुत ज़्यादा पाउडर कर सकते थे, पर ये दरदरा जब मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसे अब हम एक प्लेट में निकाल देंगे। हमारा अचारी मसाला रेडी है। कभी भी आपको अचारी रेसिपी बनानी है, अचारी आलू, अचारी पनीर, तो बस ये मसाला रेडी रखिए अपने पेंट्री में। सब्जी फ्राई कीजिए और इसमें ये डाल दीजिए। फेस्टिव सीजन के लिए तो बहुत अच्छा है, आप इजीली अचारी रेसिपी कभी भी बना सकते हैं। आलू उबल गए हैं तो अब इनका छिलका निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा फोक से प्रिक कर लेते हैं ताकि जब हम इसको शैलो फ्राई करें तो अच्छे से फ्राई हो जाए और मसाला भी इसके अंदर चला जाए जब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, वरना आलू फीके रखते रहते हैं और मसाले का ऊपर ऊपर बस टेस्ट आता है। आलू हमने छील लिए हैं तो बस इसको थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लेंगे ताकि मसाला भी अच्छे से अंदर चला जाए, और अभी हम इसको शैलो फ्राई भी करने वाले हैं तो वो भी हो जाए। सारे आलू को अच्छे से प्रिक कीजिएगा, यही ट्रिक है स्वादिष्ट अचारी आलू बनाने की। क्योंकि ये बॉईल हो जाता है ना ऑलरेडी, तो फिर मसाला उतना वो अंदर खुद से जैस्प नहीं करेगा, तो आपको प्रिक करना ये जरूरी है। हमारा ऑयल गरम हो गया है तो बस अभी इसमें आलू फ्राई कर लेंगे। सावधानी से डालिएगा क्योंकि आलू बॉईल किए हुए हैं ना तो तेल उछल सकता है। Thank you.
इसको अच्छा पिंक कलर आ जाए उतना फ्राई करना है आलू को, तो अच्छे से फ्राई होने दीजिएगा इसको, पूरा अच्छे से आलू फ्राई हो जाए, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आपको फ्राई करना है आलू। देखिए इतना पर आलू सिकना चाहिए, जैसे थोड़ा क्रिस्प उसकी ऊपर ऊपर की लेयर हो जाए और थोड़ा सा पिंक कलर आ जाए उसमें। कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, बट आई कैन सी हियर। तो बस अब हम ये आलू निकाल लेंगे कढ़ाई में से। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम कलौंजी और हींग का बघार लगाएंगे और फिर उसमें आलू जो बॉईल किए हुए और तले हुए आलू हैं वो डालेंगे और फिर उसके ऊपर से सारा मसाला डाल देंगे जो हमने पीस कर रखा था अचारी मसाला, और उसमें थोड़ा सा अमचूर ज़रूर डालिएगा, अमचूर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बघार लगा लेते हैं आलू में, फिर हम इसमें आलू डाल देंगे और जो मसाला हमने सेक कर रखा था अचारी मसाला वो डाल देंगे, अमचूर और धनिया पाउडर, और उसमें काला नमक डालेंगे और सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार। बस अचारी सब्जी रेडी है। इसको हम ऊपर से धनिया थोड़ा सा डालकर, धनिया मतलब हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे। तो जब इसकी प्लेटिंग करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।